हाय गाइज एंड वेलकम बैक। तो अभी हमारे बाइक में आ चुकी एक प्रॉब्लम, बाइक हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है R15। तो इसके पहले के वीडियो के अंदर में मैंने कवर किया हुआ था जब KTM स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो उसके अंदर में स्टार्टिंग रिले का प्रॉब्लम था। इसके अंदर में जो कॉज आ रहा है स्टार्टिंग नहीं होने का, वो डिफरेंट है। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, आप एक कॉज देख रहे हो वो नहीं निकल रहा है, दूसरा कॉज देख रहे हो वो नहीं निकल रहा है। एग्जैक्टली आपको मालूम नहीं चल रहा है कि बाइक क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। ये वीडियो आप एंड तक देखो, मैं टोटली बता दूंगा आपको क्या क्या इंडिकेशन करती है बाइक। तो अभी चलते हैं, आपको अपनी बाइक दिखाते हैं। गाड़ी न्यूट्रल हो गई है और प्रॉपर लाइट आ रही है, यहाँ पर न्यूट्रल भी देख लो आप। यहाँ से इग्निशन देखते हैं, तब बिल्कुल गाड़ी जो है ना स्टार्ट, मतलब लग रही अब वो स्टार्ट होगी, अब स्टार्ट होगी, बट स्टार्ट नहीं हो रही है। आप बैटरी का बोल्ट चेक कर सकते हो, बैटरी का बोल्ट 12 और यहाँ पे हॉर्न भी, मतलब कान सुन कर दिया भाई, मतलब बैटरी जो है पूरा ओके है। एक बार पूरा ऑन करके दिखाते हैं बिल्कुल शुरू से। तो जो फ्यूल इंजेक्शन का जो आवाज़ आता है पंप का, वो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो मेरे को फ्यूल पंप का ही इशू लग रहा है। और बैटरी टोटल कंप्लीट है और स्पार्क प्लग भी चेंज हुआ था लास्ट टाइम पे, तो स्पार्क प्लग बैटरी का ये जो है इशू टोटली ओके हो गया है। बाकी स्टार्टिंग रिले और पंप बच जाता है, तो मेरे को पंप का ही इशू लग रहा है, क्योंकि साउंड जो है बाइक से यहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही कोई भी। होली शिट, कोई साउंड नहीं आ रहा है, नथिंग, कोई साउंड नहीं आ रही है। तो भाई फाइनली अपनी बाइक स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ क्या एक्चुअली फॉल्ट था इसके अंदर में, और थोड़ा सा अभी इस पे बताते हैं, एंड बाकी जो बातें डिटेल है सारे कॉज इंडिकेशन आपको डिटेल में पूरा अभी गाड़ी रोक करके एक जगह बताने वाला हूँ कि क्या बाइक इंडिकेट करती है और कैसे आपको वो कॉज फाउंड करना है। तो अभी इसके अंदर में हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। फ्यूल इंजेक्टर्स बाइक में आपको एक मोटर दिया जाता है जो हमारे बैटरी से कनेक्शन लेता है 12 वोल्ट की, और वो जो फ्यूल है टैंक से वो सप्लाई देता है इंजन के चैम्बर तक। तो ये सप्लाई का काम करता है पंप, जो वायरिंग जाती है बैटरी से होकर के फ्यूल पंप तक, उस वायरिंग को चूहे ने काट दिया था। और मैंने जैसे कि आपको सुनाया था स्टार्टिंग में कि फ्यूल पंप का आवाज़ नहीं आ रहा है, तो वही केस था, फ्यूल पंप का ही केस था। तो फ्यूल पंप जो है वो अपना बढ़िया था, बट वायरिंग जो था वो चूहे ने काट दिया था। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि ये इंजन लाइट इसका जला हुआ है, तो ये इसलिए जला हुआ है क्योंकि वायरिंग का फॉल्ट अब इसमें आ चुका है। तो जब तक इसकी कंप्लीट वायरिंग अब चेंज नहीं होगी, मेरे को लगता है ये सिंबल अब हटने वाला नहीं है, ये इंजन लाइट का सिंबल नहीं हटने वाला है कभी भी। तो अब आपको बताते हैं पूरे डिटेल में कि क्या क्या कॉज होते हैं बाइक स्टार्ट नहीं होने के। आपके बाइक में ऑल ओके है, आपने सर्विसिंग करा रखी है और आपका मतलब स्पार्क प्लग सही है, आपका पेट्रोल सही है, आपका फिल्टर सही है, एवरीथिंग इज ओके, और बाकी उसके बाद जो है बाइक आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसके कॉज के कारण आपको बताता हूँ। सबसे पहला कॉज जो आता है बैटरी का ही आता है, तो वो आप चेक कर सकते हो। जैसे इसके अंदर में R15 के अंदर में आपको एक फ़ीचर मिल जाता है, यहाँ पे टॉगल अप करके बैटरी, ये देखो आप बैटरी 12.6 वोल्ट दिखा रहा है, 12 वोल्ट के लगभग में आपका बैटरी जो है वो चार्ज होना चाहिए, उसके बाद ही बैटरी ओके है। वरना आप ऐसे मतलब चेक कर सकते हो, लाइट जल रही हो, इंडिकेटर जल रही हो, या फिर मतलब कंसोल है वो मतलब प्रॉपर लाइटिंग उसकी आनी चाहिए, ये नहीं कि ये मतलब डिम हो रहा है। अगर डिम हो रहा है तो आप समझो कि आपकी बैटरी डाउन है, और हॉर्न मार के भी आप चेक कर सकते हो कि वॉल्यूम लाउड आ रही है या फिर थोड़ा सा मतलब नहीं आवाज़ कर पा रही है, तो समझो कि आपकी बैटरी लो है। कंसोल डिम हो जाएगा, इंडिकेटर्स लाइट नहीं करेंगे, हॉर्न आवाज़ नहीं करेगा, और आप अगर सेल्फ मारोगे तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। और उस केस में ना आप मतलब गाड़ी को चालू कर सकते हो धक्का मार के। आपके अगर बाइक में ओरिजिनल बैटरी लगी हुई है तो 2-3 साल तक बैटरी आपकी आराम से चल जाती है। तो अगर आप बाइक नहीं भी चला रहे हो तो फिर भी मतलब बाइक को आप स्टार्ट करते रहोगे 10 दिन पे, 15 दिन पे, 1 महीना पे, तो आपकी बैटरी का हेल्थ अच्छा रहेगा। और तो ये मतलब पहला केस हो गया बैटरी का।
और दूसरी कॉज पे आ जाते हैं तो दूसरी कॉज आ जाती है हमारे स्पार्क प्लग की। तो स्पार्क प्लग अपना यहाँ पे होता है, फेयरिंग बाइक पे थोड़ा सा दिक्कत रहता है कि यहाँ पे कवर लग जाता है तो इसको एसेस करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इस कवर को पूरा हटाना पड़ता है। इसके लिए आपको खोलने के लिए टूल्स चाहिए होता है, बट नेकेड बाइक में बहुत एसेसिबल होता है इजी वे में। तो स्पार्क प्लग अगर आपका ख़राब होता है ना तो फिर करंट बाइक में बिल्कुल नहीं आता है, और मतलब आपकी बैटरी ओके है, सेल्फ ओके है, सब चीज़ ओके है, बट करंट बाइक में बिल्कुल नहीं आएगी। तो करंट जब नहीं आता है तो अब आप समझो कि मतलब स्पार्क प्लग में लोचा है। और नेकेड बाइक में थोड़ा सा ईजी होता है कि आप आराम से खोल करके और चेक कर सकते हो कि करंट आ रहा है कि नहीं, सेल्फ मार के किक मार के आप चेक कर सकते हो साइड में कहीं पर लगा करके। स्पार्क प्लग की लाइफ की अगर बात करें तो स्पार्क प्लग आपका लगभग 20 से 25 किलोमीटर पे आपको चेंज करा लेनी चाहिए सर्विस पे, खासकर आपकी अगर आपकी फेयर्ड बाइक है तो आप 20,000 किलोमीटर पे डेफिनेटली चेंज करवा लो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर ऐसे सिचुएशन में कहीं आप फंसते हो तो फिर फेयरिंग वेरिंग खोलना बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम हो जाएगा ये। तो ये हो गई अपनी स्पार्क प्लग की बात। तो नेक्स्ट कॉज अपनी रहने वाली है जैसे कोई भी फ्यूज हो गया, स्टार्टिंग रिले का फ्यूज हो गया, सेल्फ का फ्यूज हो गया, तो इन सब फ्यूज को आप चेक कर सकते हो। तो उस केस में क्या होता है, कभी कभी स्टार्टिंग रिले पे कार्बन जम जाता है, तो आप जैसे सेल्फ यहाँ पे मारोगे ना तो स्टार्ट ही नहीं होगी बाइक, कटाक से साउंड आएगा, और वो साउंड आएगा तो आप समझ सकते हो कि स्टार्टिंग रिले बाइक का ख़राब है। तो आप आराम से मतलब चेंज करके देख सकते हो, या फिर कार्बन लगा होगा तो आप क्लीन करके और वापस से ट्राई कर सकते हो, बाइक में भी ये स्टार्ट हो सकती है उस कंडीशन में जब आपका स्टार्टिंग रिले या फिर फ्यूज ख़राब होता है। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपने फ्यूल सप्लाई के वजह से बाइक ना स्टार्ट होना फ्यूल पंप के वजह से। तो अपने बाइक में जो प्रॉब्लम था अभी हाल ही में यही प्रॉब्लम था एग्जैक्टली। तो इसके अंदर में होता क्या है कि हमारी बाइक ये फ्यूल इंजेक्टर वाली टाइप की बाइक है, तो यहाँ पे आपको टैंक के नीचे में एक मोटर मिल जाता है, और मोटर क्या होता है ये यहाँ पे हमारी बैटरी का प्लेसमेंट है यहाँ पे, और यहाँ से एक वायरिंग आती है जो सप्लाई देती है मोटर को, और मोटर क्या करता है हमारे पेट्रोल को यहाँ इंजन के चेंबर तक वो पहुँचाता है, ताकि जैसे पहले कार्बोरेटर वर्जन आता था उसमें दूसरे टाइप का सिस्टम होता है, बट इसमें मोटर का सिस्टम ला दिया है। तो ये आपको एक जो प्रोसेस है वो बढ़ जाती है, इसको करंट चाहिए होता है इस मोटर को चलने के लिए जो हमारी बैटरी से लेता है, और वो फिर सप्लाई देता है इंजन तक पेट्रोल का। उसमें क्या केस आ जाता है कि मे बी अगर आपका वायरिंग कट गया हो बीच से जब आपका बैटरी और मोटर तक जो वायरिंग है वो अगर कट जाए तो फिर मतलब मोटर जो है काम करना बंद हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा ना, अगर आपका मोटर काम बंद करेगा तो यहाँ पे आप जैसे ही फ्यूल जैसे ही यहाँ पे इग्निशन ऑन करोगे तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनोगे ना तो मोटर का साउंड आता है। अगर आप ऐसे मतलब सुनाई नहीं दे रहा आपको तो आराम से आप क्या करो, इसका की खोलो और इसका आप ये टैंक खोल लो, ऐसे चाबी निकल जाएगा, और यहाँ पे आप खोलो और यहाँ पे आप ध्यान से सुनोगे ना तो यहाँ से साउंड आएगा मोटर का। तो ये तरीका है मोटर काम कर रहा है या नहीं करने का, वो चेक करने का ये तरीका है। अगर ऐसे आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो टैंक को खोलो अपने और फिर चाबी मतलब निकाल के और ऑन करो गाड़ी को, और उसके बाद सुनो आप ध्यान से आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो मैंने आपको बताई वायरिंग वाली बात, बट इसके अंदर में और भी बहुत सारे कारण आ सकते हैं जिसके कारण से आपका फ्यूल पंप वर्क नहीं करेगा। तो वायरिंग आपका अगर ओके है तो वो आप चेक कर सकते हो, एक 12 वोल्ट का कोई भी आप बल्ब लो और जहाँ पे इंजेक्टर रहता है वहाँ का आप निकालो वायर और वो चेक करो आप बल्ब में लगा करके। अगर बल्ब आपका जल रहा है तो समझो कि आपकी वायरिंग ओके है, और वायरिंग ओके है तो फिर आप समझो कि आपका मोटर ख़राब है, ठीक है। तो मोटर आपका ख़राब हो सकता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक एक गैजेट होता है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भाई कभी भी ख़राब हो सकता है। तो अगर आपका मोटर ख़राब हो जाता है तो फिर आपको उसे चेंज करना पड़ जाएगा मोटर को, जैसे हमारा एयर फिल्टर होता है ना वैसे ही हमारा फ्यूल फिल्टर भी होता है जो इंजेक्टर के नीचे लगा रहता है। तो आप हर एक 10,000 किलोमीटर पे आप उसे चेंज करा लोगे, नेट टाइप का रहता है तो बेटर होगा, वरना वो भी क्या होता है कि पेट्रोल अगर थोड़ा सा मतलब कचरा वाला आ जाएगा तो फिर फ्यूल जो है वो वहाँ पे जाके ब्लॉक कर देगा, और सप्लाई जो है फ्रीक्वेंटली आपकी
नहीं हो पाएगी और सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो फिर मिसिंग का दिक्कत आएगा, गाड़ी प्रॉपर भागेगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने वाली बात है जब आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही हो, तो इन चीज़ों को आप जाके चेकआउट करो। और मैं भी इन चारों के कारण में से, पांचों कारण में से आपको एक कारण जो है दिख जाए जिसके कारण आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होगी। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल होती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, रेवन एक्सप्लोर को। तो तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो।